नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। दिल्ली बवाना स्थित फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री में आग लगना बताया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत में ये भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने में दमकल की टीम जुटी थी और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो दिल्ली से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह की तस्वीरें थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थे और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो दिल्ली बवाना स्थित फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह अचानक ये भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जौनपुर गांव पंचायत घर में आप विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुना और जनसंवाद के साथ उनका स्वागत भी किया। लोगों ने अपने अपने गांव की समस्याओं को रखा। आप नेता रमेश अंबावाता सहित आम पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने जनता के बीच जनसंवाद के द्वारा उनकी परेशानियों को सुना और आश्वासन भी दिया है। उन पर सभी विषयों पर संज्ञान लेते हुए काम किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक आपके द्वार का यही काम है कि जनता के बीच जाकर जनता की बातों को सुनना। दिल्ली सरकार द्वारा ये नई जो पहल की गई है, इसमें आज हमारे आईनगर वार्ड में विधायक आपके द्वार, आपका विधायक आपके द्वार पहली ही मीटिंग हुई है और बहुत अच्छी मीटिंग, ये सफल मीटिंग है। जौनापुर गांव में ये मीटिंग हुई है, करीब 300-400 लोगों इसमें शामिल हुए और सबने अपने सुझाव रखे और विधायक जी ने भी हर संभव सभी का जो भी सुझाव दिए या काम का बारे में जो डिमांड रखी है उन सबको जल्द से जल्द पूरा करने के आश्वासन दिया विधायक जी ने। और मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली के लोग के लिए, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का और विधायक श्री करतार सिंह तंवर जी का, कि उन्होंने हमारे बूथ पर आकर घर हमारे घर के बीच में आकर सभी लोगों की समस्याएँ सुनी और उनका जल्द से जल्द निदान करने का आश्वासन दिया। देखिए, नई पहल नहीं है, हमने पिछली टर्म में भी ये कार्यक्रम किए, आपका विधायक आपके द्वार, और उसमें MLA हर मंडल के हिसाब से जाकर पहले पूरा प्रचार करते हैं, घर घर को पर्चियां बांटते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, होर्डिंग लगाई जाती है कि लोग आए अपनी समस्याएं रखें। वैसे तो जनता दरबार में लोग मिलते रहते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं पहुंच पाते। पहले भी ये कार्यक्रम किए हैं। अभी इस कार्यक्रम का जो मकसद है, मुख्य मकसद ये है कि अभी कोविड में 1.5 साल से सभी लोग परेशान रहे हैं, लोगों का बहुत लोग नहीं आ पाते थे, संपर्क नहीं था, लोगों के बीच में हम जाकर उनकी समस्याएं सुने, क्षेत्र के विकास की समस्याएं कि क्या क्या चीज है, काम सारे बंद हो गए। गाजियाबाद में जहां एक तरफ बदमाश ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पुलिस भी बिना जान की परवाह किए बदमाशों पर कार्रवाई करने में जुटी है। जी हां, मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात पुलिस ने 25,000 के नाम की बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मोदीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम शाहजापुर में 4 सितम्बर की रात को हुई मनोज उर्फ गुड्डू की 1 दर्जन से ज्यादा गोली मारकर हत्या करने में शामिल बदमाशों को SP ग्रामीण इरज रजा की SOG टीम और थाना पुलिस ने गदाना से शाहजापुर रोड की तरफ जाने वाले बखरावा मोड़ के पास से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम कपिल उर्फ गांधी पुत्र लोकेश शर्मा निवासी बेगमाबाद थाना मोदीनगर है और पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ग्राम शाहजापुर थाना मोदीनगर में मनोज उर्फ गुड्डू की हत्या में 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर पिस्टल और तमंचे से ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तो गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही बदमाश ने
एक शख्स की हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। पुलिस लगातार इस बदमाश की तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 का नामी बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो साथी है वो मौके से फरार बताए जा रहे हैं, उनकी भी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। तो गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गांधी नाम का 20,000 का नामी बदमाश घायल हो गया। गांधी नाम के इस बदमाश के ऊपर पहले ही हत्या का मुकदमा दर्ज था। कई दिनों से ये फरार बताया जा रहा है। तो पुलिस ने कई राउंड फायरिंग किया है और इस राउंड फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। 20,000 के नामी बदमाश ये बताया जा रहा है। वहीं बुलंदशहर में चोरों ने गैस एजेंसी पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने एजेंसी की दीवार काटकर एजेंसी में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एजेंसी में रखी 50,000 की नकदी और लाखों का कीमत का सामान चोरी किया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सिरौंधा रोड स्थित श्री साई गैस एजेंसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं गोंडा में ट्रक चालक का पिटाई करते महिला का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के कैमरे में कैद कर लिया गया। पूरा मामला शहर के कचहरी चौराहे का है। ट्रक ड्राइवर पूछता रहा आखिर मेरा कसूर क्या है, लेकिन महिला पीटती रही। वहीं जब चौराहे पर जाम लगा तब पुलिस वालों ने महिला के चंगुल से ट्रक ड्राइवर को छुड़ाया। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। गौना का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ट्रक चालक का पिटाई करते महिला का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिला जो है वो ट्रक चालक की जमकर पिटाई करती हुई नजर आ रही है। वहां खड़े लोगों ने ये वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो महिला दिखाई दे रही है, उसके साथ एक व्यक्ति भी है जो इस ट्रक चालक की पिटाई कर रहा है। हालांकि महिला एक नहीं, दो नहीं, तीन चार थप्पड़ ताबड़तोड़ तरीके से लगाती हुई नजर आ रही है। लखनऊ में अवध बस डिपो के वर्कशॉप में बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते पूरी एसी बस चलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इधर सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पूरा मामला अकबरगंज के अवध बस डिपो वर्कशॉप का है, जहां देखते ही देखते अवध बस डिपो जलकर राख हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, लखनऊ का ही पूरा मामला, जहां पर अवध बस डिपो के वर्कशॉप बस में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में बस धू धू कर जलकर खाक होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के जालौर में गुरुवार को बाड़मेर हाईवे पर स्पेशल एयर स्ट्रिप की शुरुआत की गई। पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुखोई और जैगुआर जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों में यहां पर अपना दम दिखाया और हाईवे पर लैंडिंग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसकी शुरुआत की गई। खास बात यह है कि दोनों मंत्री भी वायुसेना के स्पेशल विमान से इसी एयर स्ट्रिप पर आए थे। पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित यह करीब 4 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंड कर सकेंगे। यहां पर गुरुवार को रनवे पर सुखोई लड़ाकू विमान ने फ्लाइट पास किया। साथ ही जैगुआर और एयरफोर्स के अन्य विमान भी इस दौरान यहां पर दिखाई दिए। खास बात यह है कि यह स्ट्रिप भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही है। ऐसे भविष्य में सामरिक रूप से भी इसकी काफी अहमियत होगी। हाईवे पर इस तरह की एयर स्ट्रिप की कई अहम भूमिकाएं होती हैं। यहां पर करीब 4 एयरक्राफ्ट को पार्क करने की सुविधा भी है। तो जालौर हाईवे पर सुखोई जैगुआर विमान उतरे हैं। पाक सीमा के पास तैयार हुआ भारत का ये रनवे। हमीरपुर में एक बूथ 20 यूथ अभियान के तहत निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि पहुंचे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि एक बूथ 20 यूथ अभियान पर काम करने का मंत्र दिया गया और ये पूरा कार्यक्रम मोधा कस्बे के पांडव गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया।
तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमीरपुर पहुंचे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रविंद्र बड़ी यहां पर जो यूथ कार्यकर्ता थे उनको संबोधित करते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही साथ आने वाले चुनाव में उन्होंने खास मंत्र भी दिए गए हैं। सहारनपुर में भारतीय किसान संघ द्वारा अपने कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की मांग की है और जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन नहीं लेने पर किसानों ने कलेक्ट्रेट में ही धरना शुरू कर दिया। किसानों की मांग है कि ज्ञापन जिलाधिकारी को ही दिया जाएगा। दरअसल भारतीय किसान संघ के किसानों द्वारा हकीकत नगर थाना स्थल पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद अब भारतीय किसान संघ के किसानों ने धरना स्थल हकीकत नगर से कलेक्ट्रेट परिसर तक नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की मांग की है। वहीं किसानों की मांग है कि वो ज्ञापन जिलाधिकारी को ही देंगे, जिसको लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें आपकी चैनल स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। भारतीय किसान संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की मांग यहां पर की जा रही है। प्रदेश संयोजक भारतीय किसान संघ, आज का ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के हर जिला केंद्र पर 525 जिलों में, और हमने यहाँ के सहारनपुर के आदरणीय जिला अधिकारी को 8 दिन पूर्व सूचना दी थी कि हम आपको ज्ञापन देंगे, और जिला अधिकारी यहाँ रहते हुए भी ज्ञापन नहीं लिया। हम सब किसान इस बात से बहुत नाराज भी हैं और बहुत दुखी भी हैं कि उन्होंने किसानों का सम्मान नहीं किया। उन्हें किसान का सम्मान हाँ ना होते, मैं मानता हूँ वो जिले के अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, बहुत काम में व्यस्त रहे हैं, लेकिन यहाँ थे वो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ज्ञापन ना लेना, ये किसानों का उन्होंने अपमान किया। तो सहारनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया है और इनका कहना है कि हम मांग जो हमारी मांगे हैं जो वो पूरी होनी चाहिए, हम ज्ञापन जो है जिलाधिकारी को देंगे और जिलाधिकारी अगर ज्ञापन नहीं लेते तो उनका धरना प्रदर्शन जो है वो कलेक्ट्रेट परिसर में ही चलता रहेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं और ये ज्ञापन उनका तैयार है। दरअसल अगर किसान आंदोलन की हम बात करें तो किसान आंदोलन कई महीनों से लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है। महापंचायतों का दौर भी किसानों ने शुरू किया है। करनाल में भी जो अलग धरना प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर, क्या मांगे थी किसानों की? जी, मैं बताना चाहूंगा, किसानों ने कब धरना प्रदर्शन किया सीएम कार्यालय के बाहर, लेकिन सीएम साहब जो है गाड़ी में बैठकर निकल के हम लोग बातें कर, किसानों का काफी रोष है। उनकी मांगे थी किसानों की, उनको लेकर सीएम साहब को कोई रिप्लाई नहीं, गाड़ी बैठकर निकल गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे पहले भी किसान आ चुके हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, उसके बाद जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन भी दिया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से किसानों को यहाँ पर कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ा, यहाँ पर प्रदर्शन शुरू करना पड़ा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि किसानों काफी समय से मांग करते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सहारनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान संघ द्वारा इसके बैनर तले एक प्रदर्शन शुरू हुआ है। दरअसल इनका कहना है कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन ना तो अधिकारी सुन रहे हैं ना ही सरकार सुनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उनका कहना है कि ज्ञापन भी जिलाधिकारी तक नहीं पहुंचाया जा रहा है और आज वो ज्ञापन सौंपने की मांग लगातार कर रहे हैं, और अगर उनका ज्ञापन नहीं सौंपने दिया जाता तो वो आगे ये प्रदर्शन जारी रखेंगे।
मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि सिविल लाइन इलाके में 27 सितंबर की देर रात को कारोबारी विपिन जैन के घर हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बरामद हुए माल सहित अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आपको ये जानकारी दे दें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में विपिन जैन जो कि कारोबारी है, जो किसी काम से देहरादून गए हुए थे, इस दौरान ब्रेकिंग कर चोरी करने वाले गैंग ने घर का ताला तोड़कर घर में रखे करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी कर ली, जिस पर पुलिस ने कई दिनों की बड़ी मशक्कत के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। यानी कहा जा सकता है कि मेरठ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि कारोबारी के घर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम इस गैंग ने दिया था और आखिरकार इनके पास से जो इन्होंने सामान चोरी किया था वो बरामद कर लिया गया है। लाखों की ज्वेलरी बताई जा रही है और कुछ नकदी भी बताई जा रही है। नगलावट्टू रोड पर साकेत क्षेत्र में एक सनसनीखेज एक चोरी हुई थी। जैन साहब जो वादी हैं वहाँ के रहने वाले थे और वो देहरादून गए हुए थे और उनके घर में रात्रि में किसी समय कुछ बदमाशों ने ग्रिल काट के घर के और चोरी कर ली थी। ये पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 टीमें इसमें नियुक्त की गई थी और तीनों के अलग अलग काम निर्धारित किए गए थे। प्रसन्नता का विषय है कि ये लगभग 10 दिन में हमें इसमें इस गैंग को वर्कआउट करने में और काफ़ी सामान जो चोरी गया था उसको बरामद करने में हमको सफलता मिली है। सर कितने का सामान था और किस तरीके से ये कामयाबी मिली? देखिए सामान की जो कीमत है उसके बारे में वादी ने बताया था कि ये जो तहरीर में तो कुछ नहीं लिखा था लेकिन बाद में उन्होंने हम लोगों को अवगत कराया जब अपने सामान का आकलन करके तो बताया कि ये कई करोड़ रुपए की जो चोरी थी और उसका आकलन अभी भी जो है वो कर रहे हैं कि आखिरकार कितना सामान गया था, क्योंकि आपने जैसे कि देखा अभी गोल्ड और गोल्ड के साथ में डायमंड की ज्वेलरी है तो उसका आकलन करना हमारे लिए या उनके लिए भी आसान नहीं था। चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि भाजपा धन पर राजनीति करती है। इस दौरान नरेश उत्तम पटेल ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य खेत खलिहान बचाओ, युवाओं को रोजगार दो, ये इस यात्रा का 12वां जिला है जहां पर यात्रा पहुंची है। जिस तरह से किसानों नौजवानों की भीड़ बढ़ रही है, जनता बीजेपी से नाराज है। बीजेपी ने किसानों नौजवानों को धोखा दिया है और कहा है कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। अभी तक पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, 15,000 करोड़ गन्ने का भुगतान नहीं किया गया, कहा MSP देंगे, 92% किसानों को MSP नहीं मिल रही है। हम किसानों की मांग का समर्थन करते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन भाजपा नहीं कर रही है। पिछले 11 दिनों से मैं 11 जिले जा चुका हूँ किसानों के साथ बीजेपी ने धोखा दिया, कहा कि 100 दिन के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। अभी तक पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। कहा गन्ने का मूल्य दे देंगे 15,000 रुपये का गन्ने का बताया, कहा MSP दे रहे हैं, 92% किसानों का MSP नहीं मिला। किसान कह रहा है कि हमको MSP गारंटी दे, अगर MSP की गारंटी भारत सरकार दे दे तो किसानों के सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। और अब खबर आगरा से है जहां निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इसमें डेंगू मरीजों की सूचना छिपाने वाले अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नोटिस के बाद FIR दर्ज होगी। इस कार्रवाई के लिए 10 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है, जिसकी जानकारी CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने दी है। तो निजी अस्पतालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। दरअसल डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो सच्चाई को छिपा रहे हैं। डेंगू मरीज कितने आ रहे हैं, कितने लोगों ने दम तोड़ा है, ये पूरी लिस्ट उनके पास तैयार नहीं है। ऐसे में उन पर कार्रवाई की तैयारी की गई है। आगरा के थाना एतमादपुर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार को नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया। इस दौरान बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
आगरा का एक पूरा मामला जहां पर बदमाशों ने दिहाड़े युवक को गोली मार दी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।